नेक्स्ट आपसे सिक्स क्वेश्चन है कि दीगा समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक दीगा समीकरण दे रखा है और इसके मूल निकालने हैं, तो हम गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण है हमारे पास दीगा समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे दीगा समीकरण के मूल निकालने का गुणनखंड तरीका है, गुणनखंड विधि जो है उसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है 6, इसका गुणा करना है आपको लास्ट वाले पद से, यानी अचर पद से गुणा करना है। तो यहाँ मैं गुणा करता हूँ साइड में, देखिए 6 × 2 कितना आ गया मेरे पास 12। अब क्या करना है आपको कि जो 12 है, इस 12 के ऐसे टुकड़े लाना है, यानी गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो ये 12 है और घटाने पर 1 आना चाहिए। अब घटाने पर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, ये जो माइनस है इसलिए मैंने घटाने का बोला है, और घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी यहाँ गुणांक है वो 1 है, एक्स का गुणांक कितना है 1। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 4 और 3 के रूप में मिल जाएंगे। देखिए 4 का गुणा अगर मैं 3 से करूँगा तो कितना आएंगे मेरे पास 12, और 4 में से 3 को घटाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं 4 और ये जो 3 है इनको रिप्लेस करूँगा इसके स्थान पर, यानी x के स्थान पर क्या करना है हमें, ये 4 और 3 रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं रख लेता हूँ, तो देखिए 6x² है, यहाँ पे देखिए माइनस जो बड़ी संख्या है वो माइनस में रखूँगा तो -4x, और छोटी संख्या प्लस में रखना पड़ेगा 3x, तभी आपके माइनस में x आएगा। 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x, फिर -2 और बराबर आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है कि दो पदों में कॉमन देखना है, देखिए 6x² माइनस 4x है, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब ये है कि किस संख्या का भाग है वो दोनों में जा रहा है। तो एक तो देखो दोनों में x दिख रहा है मुझे, x² है, यहाँ है x, इसका मतलब x का भाग दोनों में जाएगा तो x तो आ जाएगा, और 2 का भाग दोनों में जाएगा, देखिए 4 है और 6 है, इसका मतलब 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो ये आ गया 2, तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, देखिए 2 का भाग 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार, फिर x का भाग x² में जाएगा और ये आ गया x, फिर माइनस, यहाँ देखिए 4 के अंदर जब 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 2, और x में x का भाग जाएगा 1, इसका मतलब यहाँ रह गया 2। तो 2x कॉमन आने पर यहाँ तो रह गया हमारा 3x और यहाँ 4x रह गया 2, क्योंकि 2x कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे देखो 3x और -2, इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, यानी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अर्थात किसका भाग जाएगा 1 का, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 1, अंदर रह जाएगा वो का वो 3x - 2 बराबर 0। जब भी आपको कोई कॉमन नजर नहीं आए तो आपको बाहर क्या लेना है 1, तो 1 बाहर आ गया तो अंदर जो भी संख्या है वो भी रह जाएगी, देखिए 3x - 2 तो 3x - 2। एक बात और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बनता है 3x - 2, तो आगे अपने आप आपके 3x - 2 वाला ही ब्रैकेट बनेगा। अब देखिए 3x - 2 है वो वापस कॉमन आ जाएगा, 3x - 2 कॉमन आ गया, यानी इस पूरे पद के अंदर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3x - 2 3x - 2 समान है, तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ से 2x, ये 2x, और यहाँ बच गया हमारा प्लस का 1, प्लस 1 बराबर 0। अब आपको मूल निकालना, क्या कह रहा है मूल, अगर गुणनखंड पूछा होता तब तो सीधे आगे ब्रैकेट, परंतु यहाँ मूल पूछा है तो मूल के लिए आपको क्या करना है, इनको बराबर करना है 0 के, तो दोनों पदों को बराबर करूंगा, देखिए 3x - 2 बराबर 0 और 2x + 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके x के मान आ जाएंगे, यानी दीघा समीकरण के दो मूल आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 3x - 2 बराबर 0, तो 3x - 2 बराबर 0 है, तो 3x तो इधर रह जाएगा, ये जो -2 है पक्षांतर होके इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो x का मान आ जाएगा हमारे 2/3। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2x, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, और x का मान आ जाएगा हमारे -1/2। तो इस ढंग से हमारे दीघा समीकरण के मूल आ गए, एक तो 2/3 और एक आ गया -1/2।